Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is Simple Substance. This is the 8th lecture of Kent's Philosophy, जिसके बारे में आज हम discuss करेंगे. But before we move on with today's lecture, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. Also, do not forget to like this video because मैंने आज के वीडियो का target रखा है 50 likes. So please help me achieve that. So, beginning with the introduction of today's lecture, let me make it very clear to you all that the simple substance जिसकी बात Dr. J.T. Kent ने अपने लेक्चर 8 में की है, वो और कुछ नहीं हमारी वाइटल फोर्स है. और हम सबको पता है Dr. Hahnemann ने Organon of Medicine के एफरिस्म नंबर 9 में वाइटल फोर्स के बारे में डिस्कस किया है. तो आप सब अपनी Organon की टेक्स्ट बुक से वो रेफर करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन वाइटल फोर्स, वो आई लिंक पे अवेलेबल है, आप उसे विजिट करिएगा, आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल. मूविंग ऑन, इन द 7th सेक्शन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ Organon of Medicine, Dr. Hahnemann wrote, there must exist in the medicine a healing principle. The understanding has a presentment of it. तो Dr. Hahnemann क्या कहते हैं, उन्होंने 7th सेक्शन, फर्स्ट एडिशन जो Organon of Medicine निकली थी, उसके 7th सेक्शन में उन्होंने क्या लिखा कि हमारी जो मेडिसिन है उसमें कुछ ना कुछ एक हीलिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट होना चाहिए. लेकिन क्या हुआ, Organon के उसके बाद बहुत सारे एफोरिज्म, जो बहुत सारे एडिशंस पब्लिश हुए, तो उसके बाद इन द 1883 में जो एडिशन पब्लिश हुआ उसमें Dr. Hahnemann ने उसका क्या नाम रखा, जो कि 5th एडिशन था, उसमें Dr. Hahnemann ने उसका नाम रखा वाइटल फोर्स. सो ही डिस्टिंक्टली कॉल्ड अ यूनिट ऑफ एक्शन इन द होल ऑर्गेनिज्म द वाइटल फोर्स. वो यूनिट ऑफ एक्शन जो हर एक्शन के पीछे जो बेसिक चीज है, जैसे हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अ सेल, उसी तरह जो यूनिट ऑफ एक्शन इन द होल ऑर्गेनिज्म है उसे क्या कहा इन्होंने, वाइटल फोर्स. इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन इमटीरियल वाइटल फोर्स एनिमेट्स द मटीरियल बॉडी. और हेल्दी कंडीशन, अगर मैन अपनी हेल्दी कंडीशन में रहता है तो उस स्टेट में जो हमारी वाइटल प्रिंसिपल है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को एनिमेट करती है. मतलब जो सारे प्रोसेसेस, जो सारे एक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है वो उसके अंडर में होता है. अब यहाँ आगे डॉक्टर J.T. Kent लिखते हैं कि अगर डॉक्टर Hahnemann ने उसी वक्त इमटीरियल वाइटल सब्सटेंस का यूज किया होता तो ये हमारे लिए समझना, इसको रिलेट करना सब्सटेंस से थोड़ा इजी हो जाता. एट द प्रेजेंट डे एडवांस थिंकर्स आर स्पीकिंग ऑफ द 4th स्टेट ऑफ मैटर विच इज इमटीरियल सब्सटेंस. अभी तक तो हमने 3 स्टेट ही देखे हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. बट इन द एडवांस्ड एरा जो थिंकर्स हैं वो एक 4th स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, जो कि है एक इमटीरियल सब्सटेंस, और उसी को हम वाइटल फोर्स से समझते हैं होम्योपैथी में. सब्सटेंस इन सिंपल फॉर्म इज जस्ट एज पॉजिटिवली सब्सटेंस एज मैटर इन कंक्रीट फॉर्म. तो जैसे कि सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में होता है, उसी तरह जो सब्सटेंस है या फिर मैटर है वो कंक्रीट फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. जैसे इमटीरियल मैटर की बात की जा रही है, सब्सटेंस की बात की जा रही है, उसी तरह मटीरियल या फिर कंक्रीट सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट इज वाइटल फोर्स. वाइटल फोर्स क्या है, तो वाइटल फोर्स क्या है, हमारी बॉडी को जो एनिमेट करती है, जो चीज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से जो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, हम उसे वाइटल फोर्स कहते हैं. टू बिलीव दैट द मैन एग्जिस्ट्स विदाउट अ कॉज इज टू बिलीव दैट हिज लाइफ फोर्स गोज ऑन फॉर अ व्हाइल एंड डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम समथिंग प्रायर टू इट. To think that there is not constantly and continuously that influx from cause whereby he continues to live demonstrate that the man who does so is irrational being. तो ये बात मानना कि जो हमारा जो अस्तित्व है, जो हम प्रेजेंट है, हमारा कोई कॉज नहीं है, हमारा कोई पर्पज नहीं है एग्जिस्टेंस का, ये बिल्कुल गलत है. हम सबका
एक हायर पर्पस है एग्जिस्टेंस का, और वो हमें अचीव करने में जो हेल्प करती है वो है हमारी वाइटल फोर्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज व्हाट इज सिंपल सब्सटेंट. वी शैल फाइंड बाय अ कंटिन्यूड एग्जामिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द सिंपल सब्सटेंस दैट वी हैव सम रीजन फॉर सेइंग दैट एनर्जी इज नॉट एनर्जी पर से बट दैट इट इज अ पावरफुल सब्सटेंस एंड इज एंडोर्ड फ्रॉम द इंटेलिजेंट दैट इज ऑफ इटसेल्फ अ सब्सटेंस. तो जो एनर्जी है हमारी वो एनर्जी इज नॉट एनर्जी पर से बट दैट इट इज अ पावरफुल सब्सटेंस. हम सबको ये जानना है कि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा सिंपल सब्सटेंस है, जो हमारी वाइटल फोर्स है, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और उससे भी कोई चीज सुपीरियर है जो उसे कंट्रोल कर रही है, कोई इंटेलिजेंट चीज है जो उसे गवर्न कर रही है. दिस हैज बीन फाउंड आउट बाय सम कंटिन्यूड एग्जामिनेशन. बट द वन हु इज रैशनल विल बी लेट टू सी दैट देयर इज अ सुप्रीम गॉड दैट ही इज सब्सटेंशियल एंड ही इज अ सब्सटेंस. और कई लोग इस बात पे भी विश्वास रखते होंगे कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको जो सुप्रीम पावर गवर्न कर ली है, ही और शी इज नथिंग बट आवर गॉड. द ट्रू होल्डिंग टुगेदर ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड इज परफॉर्म बाय सिंपल सब्सटेंस. जो चीज हमारे मटीरियल वर्ल्ड, हमारी बॉडी एक मटीरियलिस्टिक सब्सटेंस है, वो एक कंक्रीट सब्सटेंस है, उसे देखा जा सकता है. जबकि जो हमारी जो वाइटल फोर्स है वो क्या है, एक इमटीरियल सब्सटेंस है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट का यही मतलब है कि जो हमारा मटीरियल वर्ल्ड है, जो हमारी कंक्रीट बॉडी है, वो किस चीज से गवर्न की जाती है, इट इज दैट वर्ल्ड इज गवर्न बाय अ सिंपल सब्सटेंस. देयर आर टू वर्ल्ड्स. यहाँ पे बताया गया है कि जो एक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो वर्ल्ड है, इमटीरियल सब्सटेंस का और मटीरियल सब्सटेंस का. डिफरेंस हम उसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जो इमटीरियल सब्सटेंस है वो हमारी वाइटल फोर्स है, जबकि जो मटीरियल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी है. और जो वाइटल फोर्स है वो हमारी बॉडी को एनिमेट करती है, उसके सारी जो एक्शंस है उनको परफॉर्म करवाती है, और उसी को यहाँ पर सिंपल सब्सटेंस बोला गया है. Moving on, Dr. J.T. Kent explains that nothing can exist unless its cause be inflowing into it continuously. मतलब कोई भी चीज exist नहीं कर सकती जब तक उसका जीने का जो cause है, जो sole reason है, वो उसके अंदर influx नहीं होता रहता, अंदर नहीं आता. ठीक है? We see that all things made by man's hand decay and fall into pieces. वो ये भी बताते हैं कि किस तरह जितनी भी आर्टिफिशियल चीजें हैं, जो भी ह्यूमन या फिर मैन मेड चीजें हैं, वो किस तरह रहती हैं कुछ दिनों तक और फिर टाइम पास जैसे जैसे होता है वो डीके हो जाती हैं. बट अगर हम नेचर की बात करें, नेचर की हार्मनी की बात करें, तो नेचर की जो सारी चीजें हैं वो सेम प्लान सेम ऑर्डर में वर्क करती रहती हैं और नेचर ऑपरेट करता रहता है इंटेलिजेंटली. देखिए आगे लिखा है, द फर्स्ट प्रपोजिशंस वी हैव टू कंसिडर इज द सिंपल सब्सटेंस इज एंडोर्ड विद अ फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस. दैट इज इट इंटेलिजेंटली ऑपरेट्स एंड फॉर्म्स द इकोनॉमी ऑफ द होल एनिमल एंड वेजिटेबल एंड मिनरल किंगडम. तो यहाँ पे लिखा है कि ये क्वालिटी है सिंपल सब्सटेंस की कि इसमें एक फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस होता है जो कि हेल्प करता है ऑपरेट करने के लिए एनिमल में, वेजिटेबल्स में, मिनरल किंगडम में, कहीं भी. द सिंपल सब्सटेंस गिव्स टू एवरीथिंग इट्स ओन टाइप ऑफ लाइफ, गिव्स इट्स डिस्टिंक्शन, गिव्स इट आइडेंटिटी वेयर बाय इट डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स. तो जो सिंपल सब्सटेंस है वो हर चीज को एक अलग तरह से लाइफ देती है, उसमें लाइफ का या फिर कॉज का इन्फ्लक्स करती है, जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एक लिविंग थिंग जिंदा रहती है. दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस ऑफ द सिंपल सब्सटेंस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, विच इज कंटिन्यूअस फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू इट्स एंड. और ये जो फॉर्मेटिव इंटेलिजेंस है जो हेल्प करता है ऑपरेट करने को, वो हमेशा इन्फ्लक्स होता रहता है, फ्लो होता रहता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू द एंड. दैट मीन्स
फ्रॉम द बर्थ टू डेथ। फर्दर अगर हम क्वालिटीज सिंपल सब्सटेंस की और डिस्कस करें तो यहाँ पे लिखा है एनी सिंपल सब्सटेंस मे परवेट द एंटायर मटीरियल सब्सटेंस विदाउट डिस्टर्बिंग और रिप्लेसिंग इट। तो जो सिंपल सब्सटेंस है वो एक मटेरियल सब्सटेंस में प्रेजेंट रह सकता है बिना उसको डिस्टर्ब किए या फिर बिना उसे रिप्लेस किए। इसमें कुछ एग्जांपल्स देते हैं डॉक्टर जेटी कैंट, जैसे मैग्नेटिज्म एक सब्सटेंस को ऑक्यूपाई करता है लेकिन वो उस पार्टिकल को या उस क्रिस्टल को कभी भी डीरेंज नहीं करता। इंडिविजुअल एंटिटी इज नॉट डिस्टर्ब और रिप्लेस्ड बाय अ सिंपल सब्सटेंस। तो जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो कभी भी डिस्टर्ब या डिस्प्लेस नहीं होती, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। द सिंपल सब्सटेंस इज केपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग द मटीरियल सब्सटेंस, मतलब हमारी वाइटल फोर्स जो है वो हमारी मटीरियल सब्सटेंस दैट मींस हमारी बॉडी को ऑक्यूपाई करती है विदाउट एक्सीडेंट टू द सब्सटेंसेस और इटसेल्फ, और वो उसमें रहती है बिना किसी डीरेंजमेंट को कॉज किए हुए। When the simple substance is an active substance, it dominates and controls the body it occupies. वो बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि ये जब सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में तो वो हमेशा जो सिंपल सब्सटेंस है दैट मीन्स इमटीरियल सब्सटेंस, वो हमेशा मटीरियल सब्सटेंस मतलब हमारी बॉडी को सुपरसीड करता है या फिर उसको हमेशा डोमिनेट करता है। The energy derived from the simple substance keeps all things in order. All operations that is possible is due to the simple substance and by it in the very universe itself is kept in order. तो हर चीज जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखने के लिए जो हमारा सिंपल सब्सटेंस है या फिर ये कहें कि वाइटल फोर्स जो है हमारी जो इमटीरियल सब्सटेंस है जो हर बॉडी में प्रेजेंट है उसका होना बहुत जरूरी है। अब अगर ये सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा, तो विदाउट दिस ऑल द मैटर इज डेड एंड कैनॉट बी यूज फॉर हायर पर्पस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा किसी ना किसी हाईएस्ट पर्पस किसी ना किसी कॉज से आता है लाइफ में लिविंग में, तो उसके लिए जो सिंपल सब्सटेंस है उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिंपल सब्सटेंस एक इमटीरियल जो मटीरियल हमारी बॉडी है उसमें अगर इमटीरियल वाइटल फोर्स या फिर सिंपल सब्सटेंस एब्सेंट हो जाएगा तो हमारी बॉडी विल बी इक्वल टू द डेड। By the aid of simple substance, that means by the help of simple substance, the divine creator is able to use all the created beings and forms for their highest purpose. तो जो हम सबको पता है कि जो हमारा simple substance है, that means vital force है, उसको भी जो चीज govern करती है वो है God या फिर divine creator हमारे। तो वो क्या करते हैं, जो divine creator है हमारे God है, वो हम सबको vital फोर्स या फिर सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से गवर्न करते हैं, और वो हमारी सिंपल सब्सटेंस की मदद से हमें अपनी लाइफ के और हाईएस्ट पर्पस को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। नो सब्सटेंस कैन बी रिटर्न टू इट्स अल्टीमेट फॉर्म आफ्टर इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू इट्स प्रिमिटिव फॉर्म। कोई भी चीज अगर उसको अल्टीमेट फॉर्म में वापस लाना बहुत मुश्किल होता है अगर वो प्रिमिटिव फॉर्म पे अपने पहुंच चुकी है। इट इज नॉट इन द पावर ऑफ मैन टू चेंज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, दैट इज इट इज नॉट इन हिज पावर टू अल्टीमेट द सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना या फिर उसे जड़ से खत्म करना एक ह्यूमन बींग के लिए इम्पॉसिबल है। The simple substance may exist as simple compound and complex and as such never disturb harmony but always continue from first to last. ये वही बात कही जा रही है कि जो simple substance है, जो vital force है, जो immaterial substance है, जो हर एक individual में present होता है, वो it is always present from the first to last, that means from the birth to the death or ultimates of the life. फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि द डायनेमिक सब्सटेंस ऑफन डोमिनेट्स ईच अदर इन प्रपोर्शन, और वो हमेशा जो हमारी मटीरियलिस्टिक बॉडी है उसको डोमिनेट करता है और वो उसकी हेल्प करता है हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हायर पर्पस हमारे एग्जिस्टेंस का क्या है, तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि हमारी ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो हम अगर किसी ह्यूमैनिटी
को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड एंड ह्यूमैनिटी, अगर हम खुद को यूज कर सके तो हमने अपना हाईएस्ट पर्पस जो हमारे एग्जिस्टेंस का है, जो हमारे लिविंग का है, हमने उसे अटेन कर लिया। तो जो हमारा डायनेमिक सिंपल सब्सटेंस है, जिसको हम वाइटल फोर्स भी कह सकते हैं, वो हमें हायर पर्पस को अचीव करने में हमारी मदद करता है। नाउ फाइनली, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बता दी थी, डॉक्टर जेटी कैंट ने इस चैप्टर को कंक्लूड करते वक्त ये बताया है कि दिस वाइटल फोर्स which is a simple substance is again dominated by another simple substance still higher which is the soul। और जो हमारी vital force है उसको जो चीज govern करती है हम उसे कहते हैं soul। Quantity cannot be predicted of the simple substance, क्योंकि ये जो simple substance है हमारी vital force है, क्योंकि ये immaterial है, हमें दिख नहीं सकती और ना ही ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन फॉलो करती है जिसको हम सॉल्व करके उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सके। तो जो वाइटल फोर्स है इसकी हम हमेशा क्वांटिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसका अगर हम एक एग्जांपल से समझे, तो अगर हम सल्फर 55 एम में अगर किसी को डोज देते हैं तो वो एक टाइम पे वर्क करना बंद कर देता है। You give the CM potency and see the curative action taken up at once। और उसके बाद अगर आपने CM potency दी तो उसका काम फिर से शुरू हो जाता है। ये statement हमें ये बताती है कि किस तरह हमारी vital force जो कि एक dynamic nature में है, जो हमारा simple substance जो कि एक dynamic nature में है, वो भी एक dynamic medicine के प्रति किस तरह react करता है और किस तरह उसकी quality पे depend करता है। Do we not see by this that we have entered a new series of degrees and are dealing entirely with quality? और ये example हमें बताता है कि किस तरह हम quality से deal कर रहे हैं, बल्कि quantity का simple substance में कोई भी role नहीं है। The simple substance also has adaptation। ये बात हमें ये स्टेट करती है कि जो हमारी सिंपल सब्सटेंस है, जो हमारी वाइटल फोर्स है, वो खुद को अडैप्ट कर लेती है, इसीलिए वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद अडैप्ट हो जाती है। और जो मटेरियल बॉडी जो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो प्रेजेंट है, वो मेरे अंदर भी प्रेजेंट है, वो आपके अंदर भी प्रेजेंट है, और वो फिर हमें सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडैप्ट होके वेट कंडीशन, ड्राई कंडीशन, डैम कंडीशन और सारी सर्कमस्टांस में रहने के हमें काबिल बनाती है। द सोल अडैप्ट्स द ह्यूमन बॉडी टू ऑल इट्स पर्पस, द हाईएस्ट पर्पस ऑफ इट्स बीइंग। और हमारे सोल जो है वो वाइटल फोर्स की हेल्प से हमारी बॉडी को हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस को अचीव करने में हमारी मदद करता है। वी ऑल्सो सी दैट द वाइटल सब्सटेंस when in natural state, when in contact with human body is constructive। और ये बात बहुत important है कि जो हमारी vital force है वो जब तक body के साथ intact रहती है, contact में रहती है, तब तक वो constructive influence लाती है, हमारे काम करने में हमारी मदद करती है, हमारी body को highest purpose of our existence को achieve करने में हमारी मदद करती है। लेकिन अगर वही vital force को हम अपनी body से अलग कर देंगे, so that could be destructive। हमारी बॉडी अपने functions को लूज करने लगती है और वो फाइनली destruction की तरफ चली जाती है। तो देखिए, ऊपर जो adaptation वाला point था उसके साथ ये भी लिखा है that the dead body cannot adapt, क्योंकि उसमें vital principle या फिर vital force जो है हमारा simple substance वो absent हो जाता है। And finally, we move towards the conclusion of today's lecture. So we see that the vital force is constructive and formative, and in its absence, it leads to death and destruction. All the diseases caused are in simple substances. और हम simple substances को पढ़ के क्या करते हैं? There is no disease caused in concrete substances considered apart from simple substances. और homeopathy ये बात believe करती है कि जो हमारी डिजीज कंडीशन है वो हमेशा वाइटल फोर्स की डीरेंजमेंट की वजह से होती है, जो सिंपल सब्सटेंस होता है उसकी डीरेंजमेंट की वजह से होती है, और कोई भी मटेरियल या फिर कंक्रीट सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिजीज कॉज करने के लिए, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी अदर इन्फ्लुएंसेस, बल्कि जो हमारे सिंपल सब्सटेंस या फिर वाइटल फोर्स का डीरेंजमेंट है वही डिजीज प्रोड्यूशन कॉज करता है। वी देयरफॉर
study simple substance in order that we may arrive at the nature of sick making substances. और हम simple substance को क्यों पढ़ते हैं? हमने simple substance आज के lecture में इसलिए पढ़ा ताकि हमें पता चल सके कि जो चीजें sick making substance है, मतलब एक individual को disease condition में ले जाती है या sick बनाती है, उनके बारे में हम समझ सके. We also potentize our medicine in order to arrive at their simple substance. और हमें ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्योंकि हमारी बॉडी की जो वाइटल फोर्स है, जो सिंपल सब्सटेंस है, वो डायनेमिक स्टेट में है. जो डिजीज कंडीशन है उसका डीरेंजमेंट जो हो रहा है वो भी डायनेमिक हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो मेडिसिन होती है वो भी डायनेमिक प्लेन में होनी चाहिए. इसीलिए हम मेडिसिन का पोटेंटाइजेशन करते हैं. The remedy to be homeopathic must be similar in quality and similar in action to disease cause. और ये बात बहुत genuine है. और ये जो हमारा homeopathy का law है, similia similibus curantur, उसको define करती है कि जो homeopathic remedy हम एक patient को prescribe करते हैं उसके जो qualities होनी चाहिए वो बिल्कुल similar होनी चाहिए due to the disease cause के जो क्वालिटीज है वो बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए. जो आपने ड्रग दी और जो डिजीज है उन दोनों के सिम्टम्स जो है वो मैच करने चाहिए. फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ पैथोलॉजी ऑर्गेनॉन एंड मटीरिया एंड डेली डोज ऑफ प्रीवियस ईयर AIPGD क्वेश्चंस डू फॉलो इनसाइड ऑर्गेनॉन ऑन इंस्टाग्राम. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed the lecture 8 of the Kent's philosophy, that is the simple substance. I hope this video was helpful. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. And yes, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from inside Organon.